अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आलिया अली। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूंगी इन दो प्रोडक्ट का, जो कि है मेरे पास फाउंडेशन जो कि एले गर्ल की हैं। ये मेरे पास है एले गर्ल की प्रो मैट फाउंडेशन और दूसरी है मेरे पास एले गर्ल की प्रो कवरेज फाउंडेशन। इन दोनों का आज आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इनकी पैकेजिंग के बारे में अगर बात करें तो ये जो है ये वाली ग्लास कंटेनर में है और ये प्लास्टिक का, इसका जो बाहर वाला कवर है प्लास्टिक का है। इनके जो कवर हैं दोनों ये भी प्लास्टिक के हैं। इनको करते हैं साइड पे। बात करते हैं जी इसके, ये मेरे पास है एले गर्ल प्रो मैट हाई डेफिनेशन लॉन्ग वेयर मैट फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है ये मैट में है और ये वाली और ये जो है एले गर्ल प्रो कवरेज हाई डेफिनेशन लॉन्ग वेयर इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन, ये जो ड्राई स्किन है उसके लिए है। ये ऑयली स्किन के लिए है, ये ड्राई स्किन के लिए है, मतलब ये ड्राई स्किन के लिए है, ये ऑयली स्किन के लिए है। अब इनकी जो कंसिस्टेंसी है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपकी स्किन ड्राई है आप ये वाली फाउंडेशन परचेज कर सकते हैं, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये वाली परचेज कर सकते हैं। लेकिन मेरी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है, समटाइम ऑयली बिहेव करती है, समटाइम ड्राई हो जाती है। सर्दियों में मोस्टली जो मेरी स्किन है वो ड्राई हो जाती है, तो मैं दोनों ही यूज़ करती रही हूँ। इन दोनों का रिव्यू आज मैं आप लोगों को इसलिए दे कंप्लीट इसलिए दे सकती हूँ इजीली, क्योंकि ये वाली जो बोतल है ये कंप्लीट ख़त्म हो चुकी है और ये वाली भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। इसको मैंने शादी के बाद बहुत ज़्यादा जो मैंने यूज़ की है, हालांकि उस वक्त विंटर सीज़न था जब मेरी शादी हुई और ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की और ये देखें ये ख़त्म हो चुकी है, इसके अंदर ना होने के बराबर फाउंडेशन रह चुकी है। मैं सोच रही हूँ मैं एक और परचेज़ करूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन मेरी बहुत 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 बेस्ट फाउंडेशन रही है। इसकी जो कवरेज है, इसकी कंसिस्टेंसी है, वो मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट की, बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं देती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई कवरेज चाहिए तो आप उसको डबल ट्रिपल लेयर के साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल लेयर अप्लाई करेंगे इसकी तो ये आपको बिल्कुल लाइट कवरेज देगा और एक अच्छी सी लुक देगा जो कि बिल्कुल केकी नहीं लगेगी। आप इजीली आप इसको वेयर कर सकते हैं, डे में भी, नाइट में भी, इवनिंग में भी, कहीं पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट 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 मेरे लिए, मुझे तो ये वाली जो फाउंडेशन एले गर्ल की बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट ये है। यू नो ये मैं ख़त्म कर चुकी हूँ और ये वाली जो फाउंडेशन है ये थोड़ी सी मैंने कम यूज़ इसलिए भी की क्योंकि इसका जो शेड है वो मेरी स्किन से थोड़ा सा लाइट है। इसका जो शेड है ये मेरे पास फेयर कलर है जो कि मेरी स्किन से लाइट है। मैं आपको थोड़ा सा ये यहाँ पे निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरे पास एले गर्ल की जो ड्राई स्किन के लिए है। ये मैं यूज़ करती रही हूँ, अगर मैंने इसको यूज़ करना भी था तो फिर मैं ये पाउडर जो था वो मैं थोड़ा सा डार्क वाला यूज़ कर लेती थी। बहुत ज़्यादा ये मेरी स्किन से लाइट नहीं थी, लेकिन थी, मुझे बहुत ज़्यादा वाइट वाइट लुक अच्छा नहीं लगता। ये देखिए इसकी आप कवरेज देख सकते हैं, ये वाली इसकी जो कवरेज है ये हाई कवरेज है उस वाली से जो कि ऑयली स्किन के लिए है, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको अच्छे से मैं ब्लेंड नहीं कर रही, सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और ये वाली ऑयली स्किन के लिए है, इसका जो कलर है वो है बेज। ये मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से सूट किया था, ये देखिए। अब इसको भी मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ इस जगह पे। मैं फेस पे अप्लाई करके फ़िलहाल दिखा नहीं सकती, वरना मैं आपको अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाती। हाथ पे इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छे व्यूअर्स हैं, आप समझ जाएंगे। और आप इसकी जो कवरेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी,
बहुत मज़े की इसकी कवरेज है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं होता थोड़ी देर बाद ये, और ना ये ऑक्सीडाइज होती है, कुछ भी नहीं है, जैसे ही आप इसको लगाएंगे ये बिल्कुल वैसी रहेगी। और कैमरे में शायद थोड़ा सा ये अजीब लग रहा हो, ये वाला जो कलर है ये इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा फील होता था इसलिए मैं कम यूज़ करती थी। मुझे ये इतनी ज़्यादा पसंद थी कि एक तो मुझे मैट, क्योंकि आप अगर जब अपने फेस पे हाइलाइटर अप्लाई करते हैं और कंसीलर अप्लाई करते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें अप्लाई करते हैं, तो आपकी जो फाउंडेशन है वो ऑलरेडी इतनी ग्लो करने लग जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा प्रेफर करती थी कि जो फाउंडेशन है वो मैं मैट फिनिश में यूज़ करूँ। तो ये इन दोनों का कंपैरिजन अगर करें, मुझे इन दोनों में से ये ज़्यादा बेस्ट लगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ये वाली परचेज़ करें, आपके लिए बेस्ट रहेगी, ऑयली स्किन कल्स के लिए ये बेस्ट रहेगी। और ये वाली जो फाउंडेशन है ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होती, मेरी स्किन पे बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होती थी, जैसे मैं अप्लाई करती थी वैसे ही रहती थी, बिल्कुल सेम एज इट इज़। बट ये जो एलेगल की प्रो कवरेज वाली फाउंडेशन है ये थोड़ी देर बाद स्किन पे लगाने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाती है, इसलिए एक शेड जो है इसका मैंने फेयर लिया था, क्योंकि वक्ती तौर पे तो ये आपको फेयर लगती है बट थोड़ी देर बाद ही जैसे ही टाइम गुजरता जाएगा तो वो आपकी स्किन पे आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन है थोड़ा सा डल कर दी जाती है। इसलिए आपने जब परचेज़ करनी हो तो ये वाली जो एलेगल की प्रो कवरेज फाउंडेशन है, एक शेड अपनी स्किन से जो आपका स्किन को ओरिजिनल कर रहा है उसे एक शेड लाइट लीजिएगा। बट ये जो एलेगल की प्रो मैट वाली फाउंडेशन है ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका जो अपना शेड है अब वो परचेज कर सकते हैं। जितना मैंने इस फाउंडेशन को यूज़ किया है, यूज़ करने के बाद मैं फाइनल जो अपनी ओपिनियन है वो यही दूंगी इसके बारे में। अगर तो ऑयली स्किन है बहुत ज़्यादा और अच्छी फाउंडेशन आपको परचेज़ करनी है, एक ही फाउंडेशन आपको चाहिए, तो आप आंख बंद करके ये एलेगल की प्रो मैट जो कि मैट फाउंडेशन है, ऑयली स्किन के लिए बेस्ट फाउंडेशन, आप ये वाली फाउंडेशन परचेज़ कर सकते हैं और आपको ये गर्मी में स्पेशली बहुत अच्छे रिजल्ट देंगी ये वाली फाउंडेशन। और अगर आपकी जो स्किन है वो ड्राई है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं जो कि एलेगल की प्रो कवरेज इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन है, ये थोड़ी सी स्किन पे ग्लो भी देती है, बट ये वाली जो मैट वाली है ये आपकी स्किन को बिल्कुल मैट लुक दे देती है। शेड्स आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग परचेज करें, जिसको जो शेड सूट करता है वो ले लें। इसमें मेरा शेड जो है मैट वाली में बेज है, मैंने बेज शेड लिया, और दूसरी जो वाली फाउंडेशन है प्रो कवरेज, इसमें मैंने जो शेड परचेज किया वो फेयर शेड है, बट ये वाली मैंने इतनी ज़्यादा मुझे सूटेबल नहीं लगी जितनी मुझे ये प्रो मैट वाली फाउंडेशन बेस्ट लगी है, तो मेरे लिए ये बेस्ट ऑप्शन रही है। और अब अगर इनकी प्राइजेस की बात करें तो प्राइजेस जो हैं वो अप एंड डाउन होती रहती हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, लेकिन जब मैंने ये परचेज़ की थी तो उस वक्त ये 2000 की रेंज में थी, कोई 10-20 रुपीज़ ऊपर ही होंगे, तो इनकी जो प्राइजेस हैं वो थोड़ी सेम ही हैं। अभी क्या प्राइजेस चल रही हैं वो मैं रिसेंटली आपको देख के इनबॉक्स कर दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। सो गर्ल्स, आई होप आपको ये वाला रिव्यू दोनों फाउंडेशन का पसंद आया होगा, एले गर्ल का जो कि काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने आज अपलोड कर दिया ये मैट वाली फाउंडेशन भी और दूसरी प्रो कवरेज वाली फाउंडेशन भी। इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए, उसमें मैं आप लोगों के साथ एक्नी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है आप लोगों की वो मैं शेयर करूँगी उनकी रिक्वेस्ट पे, जिनके इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उस नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।